अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा बहुत जैसा कि बढ़िया। आप पहले नहीं जानते कि ये हमारी पहली वीडियो है, यही कौन सी वीडियो है, और हम आपसे बराह रास्त अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मेरा नाम है नबील अहमद चिश्ती, और मैं आपको सिंपली पहले लेक्चर में आपको अपना पीसी यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो काइंडली मुझे फॉलो कीजिएगा, और बहुत जल्द जो बिगनर हैं वो तो इंशाल्लाह जल्दी सीख जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, लास्ट लेट्स स्टार्ट। यार एक मिनट बनन भी दिया, कोई रिकॉर्डिंग होती हुई। ऐसे ही कर देना। ये बेसिकली एक फनी वीडियो भी है, आप जानते हैं, फनी के साथ साथ जानते हो अगे दिन वेख्या ना शक्लां वीडियो के साथ साथ अगर कुछ फनी हो जाए तो उसका मजा दोबारा हो जाता है। लेकिन हम हंसी खुशी हंसी खुशी ऐसे वीडियो बनाएंगे, और आप नुँ। बहुत कुछ है, बहुत जल्दी हंसी सीख जाएंगे, खुशी तू आप तो यहाँ सला बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये छोटी छोटी शरारतें पसंद आई होंगी। आप मेरे हुलिये पे ना जाइएगा, मैं अभी सो के उठा हूँ तो नहाया नहीं हूँ, टेंशन ना लीजिए। सबसे देखे में पहले ये हमारे पीसी पे, हमारे कीबोर्ड पे एक बटन होते, दो बटन होते हैं, विंडो ई का, विंडो ई का। जब विंडो ई का बटन दबाएंगे तो देखेंगे हमारा वो ना जो पार्टीशंस वगैरह होगी वो ओपन हो जाएंगी। इसमें हम सिंपली देखते हैं कि डेस्कटॉप है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आता है, डाउनलोड आते हैं, म्यूजिक आता है, पिक्चर्स आती हैं। ये देखें पिक्चर्स में मैंने बहुत सी अच्छी अच्छी पिक्चर्स रखी हुई हैं। ये देखेंगे ये एक फ़नी पिक्चर्स है, इसके बाद ये देखेंगे मेरी एक पिक्चर्स है जो एनुअल डिनर पर हमारी हुई थी। उसके बाद ये देखें कि मैंने एक वो सिस्को पैकर स्ट्रेस में काम किया था, असाइनमेंट बनाई थी वो आ गई, और ये देखें ये हमारी क्लास भी आ गई। ये हमें डिनर पे कुछ इन्जॉयमेंट कर रहे थे, ये सिंपली ऐसे कुछ। ये पिक्चर मुझे बेसिकली बहुत पसंद है। आप आल्ट F4 से आप पीछे भी जा सकते हैं और बैक स्पेस से भी पीछे जा सकते हैं। मज़ीद आपको बताता हूँ कि ये देखें ये हमारी लोकल पार्टीशन सी है, जिसमें हमारे तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। इसे हम कुछ नहीं कहेंगे, इसे हम नहीं छेड़ेंगे। ये हमारे वॉल्यूम डी है जो ऐसे ही खुद ब खुद क्रिएट हो गई है, लेकिन मैंने इसे भी यूज़ किया हुआ है। ये एक सोचने वाली बात है कि मैंने ये खुद ब खुद क्रिएट होने वाली जो कि 98 MB की, सिर्फ 98 MB की स्पेस है, उसमें भी मैंने ला तादाद इमेजेस रखी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखें ला तादाद इमेजेस हैं, और मैं इसे भी यूज़ करता हूँ बाकायदा। और ये देखें ये हमारी एक मैडम है जिसे मैड मुलबा कहते हैं, इसने हमें इंग्लिश पढ़ाई, इसने हमें कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाई। ये बहुत ही अच्छी मैडम थी लेकिन अभी छोड़ चुकी है। चलें कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है लाइफ में, बहुत कुछ पहली दफ़ा ही होता है। यू नो 5 मिनट तो ज्वाइन नहीं ये कर हमारे पाता। टीचर्स हैं कुछ, और हमारे क्लास ग्रुप है एक। चलें कोई नहीं, इसे भी हम एक बार स्किप करते हैं। मज़ीद बताते हैं ये हमारी पार्टीशन ई है, जिसमें मैंने अपने स्टडी से मुतलिक और अपने पिक्स वगैरह सॉन्ग्स वगैरह रखे हुए हैं। इसे मैं इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता, लेकिन एक पार्टीशन है जरिया मेरा तो बताना बनता है। Alt F4 से आप पीछे जा सकते हैं कम्प्लीटली। और आगे आपको बताता हूँ, यह हमारा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन को ओपन किया, ये देखे इसमें जो चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हैं, जो डिलीट हो चुकी हैं वो इसमें आ जाती हैं, वो मुकम्मल डिलीट नहीं होती, वो इससे हम रिकवर कर सकते हैं। ये देखें लाइक है ये पिक्चर है, इस पर राइट क्लिक करें और रिस्टोर कर दें। रिस्टोर करेंगे तो ये स्टडी एंड पिक्स में चली जाएगी, जहाँ से मैंने डिलीट की थी ये वहीं पर मिलेगी। ये देखें ये वही पिक्चर यहाँ पर मिल गई। ठीक है, मैं आपको सही समझा रहा हूँ। अब देखेंगे हमें इस खाली से कैसे करते हैं। इस पे राइट क्लिक करें और एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक करें, तो वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 4 आइटम्स, तो मैं यस क्लिक कर लूँगा। रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग। एक मिनट चुप करोगे यार, वो हमारे आपस की बात है, हम शुगल मगल ना करें तो ऐसे वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आता। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा, और क्या हमने सिंपल सीखा कि आल्ट ई से हम अपने क्या पीसी में खोया एंटर क्या होते पाया। हैं और रिसाइकल बिन कैसे डिलीट करते हैं। आप मज़ीद भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये देखें मैं आपको विंडो के बटन बताता हूँ। इधर मैंने दो न्यू इंस्टॉल अपडेट्स किए हैं, वो इंस्टॉल अपडेट्स कौन सी हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। एक तो है ये न्यू फोल्डर की, और एक है आइसक्रीम रिकॉर्डर की, जिसके ज़रिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये मैंने जैज़ मोड ऐप भी की थी, लेकिन आप इसके मुताबिक अभी ना ही पूछें तो अच्छा है। चले आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत शुक्रिया भाई। और वो मुझे भाई एक ऑफ़र कर रहा था माल्टे की, तो मैंने शुक्रिया कह के डाल दिया। चलें देखते हैं हमने आज क्या बनाया और क्या देखा। जस्ट अ मिनट, मेरा थोड़ा सिस्टम ना फास्ट है, तो मुझे मैं थोड़ा सा स्लो हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम बन जाती है। सो